Hello guys, in this tutorial we will learn how to create a navigation bar. Navigation bar means this is like this. So इसके लिए पहले अपन वही थीम ले लेते जो पहले से इसमें थी, ये वाली इसको एक्टिवेट कर लो। इसको लेके इसके बाद अपन इसको नेविगेशन बार बनाने के लिए पहले अभी ये ऐसी शो हो रही है, अब इसमें अपन नेविगेशन बार बनाएंगे। उसके लिए पेजेस को क्रिएट करना पड़ेगा, एड न्यू मेजर होम पेज पब्लिश। एड न्यू ऐसे अपन दो तीन पेज बना लेंगे। सर्विसेस पब्लिश एड न्यू अबाउट अस और एक और क्रिएट कर लेते हैं ब्लॉग। अब अपन ने सारे पेजेस क्रिएट कर लिए, पेजेस अबाउट अस ब्लॉग कॉन्टेक्ट अस होम और सर्विसेज प्राइवेसी और सैंपल पेजेस इसी में होते हैं ये। अब देखते हैं अपन, तो गाइस अभी भी इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ा है। अगर अपन को नेविगेशन बनाना है तो पेजेस क्रिएट करने के बाद अपीयरेंस में मेनूज पे जाना है। मेनूज में क्रिएट करना है मेनू, मेन मेन्यू क्रिएट। उसके बाद जो जो पेजेस अपन को मेन्यू में चाहिए वो लेने में, ब्लॉग कॉन्टेक्ट अस होम सर्विसेज अबाउट अस होम। सैंपल पेज हम नहीं लेना चाहते तो उसे रहने देंगे। सारे के सारे आ चुके हैं और उसके बाद इसको ऑटोमेटिकली न्यू टॉप लेवल पेजेस टॉप मेन्यू और सोशल लिंक सेव मेन्यू। नाउ वी विल सी दिस इज ब्लॉग कॉन्टेक्ट अस अबाउट अस सर्विसेस होम। सो होम पेज दिस इज द होम पेज, दिस इज द सर्विस पेज, दिस इज द अबाउट पेज, This is contact us, ये ब्लॉक। अब जैसे इसमें क्लिक करते तो नीचे पूरा शो होता है, तो जैसे ड्रॉप डाउन कैसे बनाना है वो भी अपन इसमें सीखेंगे। ड्रॉप डाउन के लिए कुछ नहीं करना है, बस जैसे कि ब्लॉक के अंदर कॉन्टेक्ट अस को लाना है तो इसको थोड़ा सा ऐसे कर देना है और अबाउट अस को भी यहीं पे लाना है। तो ब्लॉग में दो ड्रॉप डाउन हो चुके हैं, दो ड्रॉप डाउन मेनू और सेव मेन्यू कर दे।